आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। पूर्व विधायक मिले प्रभावितों से न्याय दिलाने का दिया भरोसा। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में भूधसान की घटना से प्रभावित लोगों को क्षेत्रीय स्कूल में शरण दी गई है। प्रभावित घर का सारा सामान लेकर स्कूल में ही रह रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व विधायक दीपक पटेल उनके पास पहुंचे और हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया है, साथ ही मुआवजा और बसाहट दिलवाने की भी बात कही गई। ये विगत 3 दिनों से जो घटना हुई है आपदा, इसमें हम सब उनके साथ में हैं और हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे और ACCL से प्रबंधन से हर प्रकार की बातचीत चल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हमको इन लोग के लिए व्यवस्था, मकान की या ज़मीन की व्यवस्था कलेक्टर साहब और प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे भी इनको व्यवस्था करके दी जाए ताकि ये कहीं विस्थापित हो सकें। भरवान, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। अभी जो सांसद जी से बात की है, आप लोग प्रभावित हैं, किस प्रकार लगा उनके बातों से, कैसा लगा? उनके बातों से हम बहुत खुश हैं, वो हमारी वेदनाओं को समझे हैं और बोले हैं कि हर संभव हम आपका मदद करेंगे, जो भी हमसे बनेगा। सांसद से मैं भी संतुष्ट हूँ बेचारे भाई, हमको तो सांत्वना तो दिए ना। देखिए, मुझे ये सूचना सोमवार की सुबह, मैं रायपुर में था, अपने थोड़ा व्यक्तिगत कार्य से गया हुआ था, वहाँ मुझे प्राप्त हुई थी कि चिरमिरी में इस तरह की घटना घटी है। उसके बाद फिर मैंने हमारे यहाँ के जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह जी से पूरी रिपोर्ट मंगाई थी और पूरी रिपोर्ट मंगाने के बाद फोटोग्राफ्स और घटना में कितने परिवार प्रभावित हुए हैं वो सारा रिपोर्ट मंगाने के बाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने चर्चा की और यह मामला चूँकि ACCL क्षेत्र के अंतर्गत था इसलिए इस मामले को दिल्ली में भी चर्चा करनी आवश्यक थी कोयला मंत्री जी से। तो मैंने ये पूरे मामले को रिपोर्ट के साथ जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुई थी वो मैंने दिल्ली हमारे राजनंद गांव के सांसद माननीय संतोष पांडे जी को मैंने प्रेषित की थी और वो तत्काल वहाँ माननीय कोयला मंत्री जी से मिलकर सारी घटना की उनकी जानकारी देकर और जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके व्यवस्थापन के संबंध में, उनके वर्तमान में अभी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसमें उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल उन्होंने कोयला मंत्री जी से बातचीत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट के ACN 24।